गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर आरती पाल स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी फिफ्थ क्लास की मैरी गोल्ड टेक्स्ट बुक से सभी न्यू वर्ड्स कंप्लीट लर्न कराऊंगी आपको ओके सो so, आज हम यूनिट वन से लेकर यूनिट टेन तक के सभी वर्ड मीनिंग एक साथ अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उनको लर्न करेंगे जिससे हमारी वोकेबलरीरी भी इम्प्रूव होगी और जब भी हम इन चैप्टर्स को रीड करेंगे सो हमें वर्ड मीनिंग्स पहले से ही आते होंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन इज़ यूनिट वन इन चैप्टर्स नेम इज़ आइसक्रीम मेन एज यू नो जैसा कि आप जानते भी हैं और ये चैप्टर पहले आप पढ़ भी चुके हैं सो फर्स्ट वन इज़ ब्लेज ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम और फायर मीन्स ब्राइट फ्लेम बहुत तेज चमकती हुई आ, आग नेक्स्ट वन इज़ ट्रांडलिंग ट्रांडलिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइसक्रीम मैन की जो कार्ट होती है उसके नीचे जो व्हील लगे होते हैं उनको हम ट्रेंडलिंग बोलते हैं नेक्स्ट वन इज माउंट माउंट मीन्स हीप और पाइल इसका मीन्स होता है किसी भी चीज़ का ढेर लगा होना ठीक है नंबर फोर इज

फर्स्ट वर्ड इज इन अफिक्स अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप फ्रॉम इन अफिक्स मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकल पाना मुश्किल हो नंबर टू फ्लैश अक्रॉस द माइंड फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ अचानक से कोई आइडिया दिमाग में आना नंबर थ्री लो इन बी होल्ड मीन्स लुक वॉट अ सरप्राइज कोई सरप्राइजिंग सी बात होना उसको हम कहते हैं लो एंड बी होल्ड नंबर फोर ट्रेडिशनल फीस्ट ट्रेडिशनल फीस्ट मीन्स हर्टी मील फॉर मेनी गेस्ट सर्वड ऑन अ स्पेशल ओकेजन किसी स्पेशल ओकेजन पर लोगों को परोसे जाने वाला भोजन जो लोगों को बहुत पसंद आए नेक्स्ट वी विल डू यूनिट टू इन चैप्टर नेम इज टीम वर्क सो फर्स्ट वर्ड इज टीम वर्क टीम वर्क मीन्स कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप एक ऐसा एफर्ट uh, एक ऐसा प्रयत्न जो एक ग्रुप के द्वारा किया गया हो उसको हम टीम वर्क बोलते हैं नंबर टू हुप हेयर वुडन और आयरन रिंग ट्रांड अलोंग बाय चाइल्ड हुप मींस एक वुडन uh, या फिर आयरन का रिंग जो जिस जिसको बच्चे गेम्स uh, में यूज करते हैं नंबर थ्री पासिस पासिस मीन्स होता है मूव ऑनवर्ड या फिर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को मूव कर देना नंबर फोर रिले रेस रेस बिटवीन तीन सौ विच ईच पर्सन डस पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एक ऐसी रेस जिसमें लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें नंबर फाइव बैटन बैटन मीन्स शॉर्ट ट्यूब और शॉर्ट और स्टिक रीड इनर रेल रेस पैटर्न मीन्स एक छोटी सी ट्यूब या फिर छोटी सी स्टिक जिसको हम रिले रेस में यूज करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज फ्लाइंग टुगेदर सो फर्स्ट वर्ड इज गीज गीज मीन्स प्लूरल ऑफ गूज गूज एक बर्ड है बेटा और गूज का प्लूरल होता है गीज ठीक है या फिर लार्ज वेब फुटेड बर्ड एक ऐसी बर्ड जिसके बहुत बड़े बड़े और वेब वाले पैर होते हैं वेब मीन्स होता है जाल नंबर टू क्रीपर क्रीपर मीन्स प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अलोंग अ वॉल एक ऐसा प्लांट जिसको ग्रो होने के लिए किसी दीवार की जरूरत पड़े उसे हम क्रीपर बोलते हैं नंबर थ्री वाइंडिंग वाइंडिंग मीन्स ग्रो इन अ सर्कुलर और स्पाइरल कोर्स वाइंडिंग मीन्स घूमा हुआ नंबर फोर मटर्ड मटर्ड मीन्स स्पोकन इन अ लो साउंड बहुत ही धीमी आवाज़ में बातें करना उसको मटर्ड बोलते हैं नंबर फाइव इज फ्लैप्ड मूव विंग्स अप एंड डाउन फ्लैप्ड मीन्स पंखों को फड़फड़ाना नेक्स्ट यूनिट थ्री इन द नेम ऑफ द चैप्टर इज माई शेडो इट्स अ पोएम सो माई शेडो फर्स्ट वर्ड इज इंडिया रबर बॉल इंडिया रबर वॉल मीन्स अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई एक ऐसी बॉल जिसको हिट करने पर वे बहुत हाई बाउंस करे बाउंस मीन्स उछलना बहुत ऊंची उछल कर जाए नंबर टू बटर कप बटर कप मीन्स अ येल्लो फ्लार एक येल्लो कलर का फ्लार उसको हम बटर कप कहते हैं नेक्स्ट वन इज एरेंट एरेंट मीन्स बैड बुरा नेक्स्ट चैप्टर इज रॉबिनसन क्रूजो सो फर्स्ट वर्ड इज सेवेजेस सेवेज मीन्स वाइल्ड पीपल इन प्रिमेटिव स्टेट जंगली लोग जो किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना हो नैक्स्ट वन इज मेन लैंड मेन लैंड मीन्स लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड एक ऐसी जगह जो बहुत दूर तक फैली हो वॉन्डर्ड गो फ्राम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट वॉन्डर्ड मीन्स किसी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना बिना किसी कारण के नंबर फोर इज बोल्डर बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट बोल्डर जैसा कि आप जानते हैं बहादुर होना नेक्स्ट वी विल डू यूनिट फोर है नेम ऑफ द पोइम इज क्राइम सो फर्स्ट वर्ड इज सोग सोग मीन्स कम्प्लीटली वेट पूरी तरह से गीले हो जाना नंबर टू शावर शावर मींस बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अब शावर बेटा जो हमारे वॉशरूम में ऊपर शावर लगा होता है जिस ज, ज, जिसको हम ऑन करते हैं तो पानी स्प्रिंकल के थ्रू ऊपर हमारे ऊपर आता है नेक्स्ट नंबर थ्री इज वेप्टेप्टज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वीप। इन वीप मींस रोना सो व्हीप की मीनिंग होगा शेड टीयर्स आंसू बहाना या फिर क्राइड क्राइड मीन्स भी आपको पता ही है रोना होता है नेक्स्ट वन इज माई एल्डर ब्रदर सो फर्स्ट वर्ड इज फाउंडेशन फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस या फिर नीव नंबर टू शेड्यूल शेड्यूल मीन्स होता है टाइम टेबल नंबर थ्री एस ए कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट एस ए मीन्स किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट पर आपको कुछ कंपोज करना है कुछ लिखना है दैट इज़ ऐसे नंबर फोर इज आइडलिंग आइडलिंग मीन्स विदाउट एनी पर्पज़ या फिर लेजी आइडलिंग मीन्स आलसी नंबर फाइव इज मास्टर्ड मास्टर्ड मीन्स गेंड एक्सपर्टाइज और स्किल्ड तो बेटा मास्टर्ड मीन्स कहते हैं ना कि उन्होंने मास्टरी हासिल की है तो मास्टरी हासिल की है मींस वो अब उस काम में एकदम एक्सपर्ट है ठीक है या फिर अपने काम में बहुत कुशल होना नाउ वी विल डू यूनिट फाइव द नेम ऑफ द इज़ द लेजी फ्रॉग फर्स्ट वर्ड इज लोल लोल मींस टू लाई अराउंड लेजली आलसियों की तरह पड़े रहना नंबर टू लॉग लॉग मीन्स ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट लॉग मीन्स एक पेड़ का मोटा सा पार्ट जो पेड़ से कट कर दिया गया हो नंबर थर्ड इज शर्क डू नॉट डू समथिंग यू शुड डू शर्क मीन्स टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू मतलब शर्क मीन्स होता है कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए कोई भी काम ना करना नंबर फोर इज़ इन वेन वेन मीन इन वेन मीन्स होता है यूजलेसली या फिर बेकार में नंबर फाइव इज प्रिफर प्रिफर मीन्स लाइक समथिंग बेटर प्रिफर मीन्स क्या प्रिफर करेंगे आप क्या पसंद करेंगे नंबर सिक्स इज हार्ड ऑफ हियरिंग हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डेफ डेफ मीन्स बहरा नंबर सेवेन इज बो बो मीन्स टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट बो मीन्स झुकना किसी को रिस्पेक्ट के लिए अपने सिर को थोड़ा सा झुकाना उसको हम बो बोलते हैं नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट चैप्टर इज रिप वेन विंकल सो लेट्स स्टार्ट टू डू वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट वर्ड इज नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन मीन्स फुट हिल्स नंबर टू विद ग्रे हेयर ग्रे हेयर मीन्स ग्रिजल्ड मतलब वाइट वाइट uh, बाल जो बहुत उलझे हुए हों आपस में नेक्स्ट नंबर थ्री इज टू रब जेंटली रब जेंटली स्ट्रोक्ड मीन्स चीज़ों को जेंटली तरीके से रब करना नेक्स्ट नंबर फोर टू बी वेरी सरप्राइज एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज हो जाना आश्चर्यचकित हो जाना नेक्स्ट नंबर नोन टू यू नोन टू यू मीन्स फैमिलियर और फैमिलियर से भी ईजी वर्ड जानना है तो होगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं उसमें कहते हैं नोन टू यू नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट सिक्स एंड नेम ऑफ द पोइम इज क्लास डिस्कशन सो फर्स्ट वर्ड इज डिस्कशन डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक डिस्कशन मीन्स किसी एक सिंगल टॉपिक पर लंबी बातचीत करना एक ग्रुप के द्वारा नंबर टू एयर्ड एयर्ड मीन्स मेक पब्लिक कोई भी बात पब्लिक में हो जाना या खुल जाना नेक्स्ट नंबर थ्री इज बेयरली बेयरली मीन्स होता है ओनली जस्ट नेक्स्ट वन इज़ स्टेयर स्टेयर मीन्स घूरना लुक फिक्सड विद आइज ओपन विद वाइड ओपन तो मतलब किसी चीज़ को घूरना उसको हम कहते हैं वाई आर यू स्टेयरिंग मी स्टेर मींस घूरना नेक्स्ट चैप्टर इज द टॉकेटिव बारबर टिव मीन्स होता है बहुत बोलने वाला और बारबर मीन्स नाई सो फर्स्ट वर्ड इज चैटर चैटर मीन्स सम वन हु टॉक्स अ लॉट एक ऐसा पर्सन जो बहुत बातें करता हो उसको हम चैटरर बोलते हैं नेक्स्ट नंबर टू इज डिफेक्ट डिफेक्ट मीन्स फॉल्ट या फिर कमी नंबर थ्री ओपीनियन ओपिनियन मीन्स वट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन थिंग और सब्जेक्ट ओपिनियन मीन्स होता है राय देना या फिर कोई व्यक्ति किसी के बारे में क्या फील करता है क्या महसूस करता है उसको कहते हैं कि भाई अपनी ओपिनियन दो उसके बारे में ओपिनियन मीन्स राय दो नंबर फोर इज एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड अप एंड फेड अप या फिर थक जाना टायर्ड अप मीन्स भी होता है थक जाना फेडअप मीन्स भी होता है थक जाना एग्जॉस्टेड मीन्स भी होता है थक जाना नेक्स्ट नंबर फाइव इज डेजर्ट डेजर्ट मीन्स अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील मेन जो मुख्य खाना होता है उस खाना खाने के बाद जो हम कुछ मीठा लेते हैं उसको हम डेजर्ट बोलते हैं ठीक है नंबर सिक्स इज एग्जाम एग्जाम मीन्स टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली देखना उसको हम एग्जाम बोलते हैं नंबर सेवन इज ऐट लेंथ एट लेंथ मीन्स एट अ स्ट्रेच नेक्स्ट यूनिट सेवन एंड द नेम ऑफ द पोएम इज टॉपसी टरवी लेंथ सो लेट स्टार्ट नंबर फर्स्ट इज टॉपसी टर वी टॉपसी टर वी मीन्स अपसाइड डाउन ऊपर की तरफ टॉपसी टर्वी मीन्स ऊँचा नीचा ऊंचा नीचा होना नंबर टू प्लेजर फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट प्लेजर आपको पता ही है खुशी को खुशी महसूस होना नंबर थ्री इज ग्रैंड ग्रैंड मीन्स बिग जो कि आपने पढ़ा था ग्रैंड डिनर महाराजा ने ग्रैंड डिनर दिया था है ना बहुत बड़ी पार्टी दी थी नेक्स्ट चैप्टर इज गुलिवर्स ट्रेवल सो फर्स्ट वर्ड इज बेलोइंग बेलोइंग मीन्स वेरी लाउड नॉइज बहुत तेजी का शोर नंबर टू इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स मीन्स ऑक्यूपेंट्स अब ऑक्यूपेंट्स भी अगर ना समझ में आए तो आप उस वाले वर्ड से समझिए जो आपने रॉबिनसन क्रूजो में पढ़ा था इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी या पर कहीं कहीं पर रहने वाला नंबर थ्री इज़ बैरन बैरन मीन्स लैंड विद नो वेजिटेबल वेजिटेशन या फिर आप बैरन वर्ड से समझ सकते हैं एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कुछ उगता ना हो मतलब बंजर नंबर फोर इज एस्टानिशमेंट एस्टानिशमेंट मीन्स ग्रेटली सरप्राइज बहुत बड़ी तरीके से सरप्राइज हो जाना आश्चर्यचकित हो जाना नंबर फाइव इज क्रम्बल्ट क्रम्बल्ड मीन्स ब्रोकन इंटू पीसेस छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना उसको हम कहते हैं क्रमबल्ड नंबर सिक्स इज ग्रैब ग्रैब मीन्स पिक सडनली ग्रैब मीन्स किसी भी चीज़ को अचानक से झटक से पकड़ लेना उसको ग्रैब कहते हैं नेक्स्ट यूनिटेट चैप्टर पोएम्स नेम इज़ नो बडी इज फ्रेंड सो फर्स्ट वर्ड इज लेंड लेंड मीन्स होता है टू गिव अनदर फॉर टेम्प्ररी यूज़ लेंड मीन्स होता है बच्चा उधार देना थोड़ी देर के और मीनिंग भी इंग्लिश में यही है टू गिव अनदर फॉर टेम्प्रेरी यूज़ कोई भी चीज़ किसी को देना थोड़ी देर के लिए मतलब बाद में वापस ले लेना नंबर टू ट्राईसाइकिल ट्राईसाइकिल मीन्स थ्री व्हील्ड साइकिल एक ऐसी साइकिल जिसमें थ्री व्हील्स लगे होते हैं जब आप छोटे थे तो आप ट्राईसाइकिल ही चलाते थे जिससे कि आप गिर ना जाएं। अगर आपको याद है तो थोड़ा याद कीजिए कि ट्राईसाइकिल क्या है एक ऐसी साइकिल जिसमें थ्री व्हील्स होते हैं बैक साइड में दो होते हैं और एक आगे होता है नंबर थ्री इज शेयर शेयर मीन्स डिवाइड करना या फिर बांटना। सो नेक्स्ट चैप्टर इज द लिटिल बुली नंबर फन वन इज़ ब्रूज ब्रूज मीन्स इंजरी बाय ब्लू टू बॉडी मतलब किसी को धक्का देने से चोट लगना इसको हम ब्रूज़ बोलते हैं नंबर टू इज़ हॉरिड हॉरिड मीन्स टेरेबल और टेरेबल भी ना समझ में आए टेरेबल आई थिंक समझ में आ गया होगा टेरेबल मीन्स होता है डरावना हॉरिड मीन्स भी डरावना नंबर थ्री होर्स होर्स मीन्स होता है रफ एंड डीप साउंडिंग एक बहुत ही भद्दी साउंड आना दैट इज़ कॉल्ड होर्स होर्स मीन्स भद्दी सी तेज साउंड सुनाई देना नंबर फोर इज़ पाइंसर पाइंसर इज़ ग्रिपिंग टूल बेटा पाइंसर मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपके घर में जब इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है इलेक्ट्रिक वर्क होता है तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि प्लास लेकर आओ है ना तो प्लास को ही हम इंग्लिश में पाइंसर बोलते हैं ठीक है या फिर ग्रिपिंग टूल मीन्स एक ऐसा टूल जिस टूल से हम किसी चीज़ को पकड़ सकें दैट इज़ कॉल्ड पाइंसर नेक्स्ट वन इज़ स्टॉक स्टॉक मीन्स मेन स्टेम नंबर सिक्स इज निब्ड निब्ड मीन्स अ क्विक स्क्वीज़ बेटा स्क्वीज़ मीन्स होता है चुटकी काटना तो जब आप लोग क्लास में बैठते हैं और एक दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं तो उनको अपनी दो फिंगर्स की हेल्प से उनको चुटकी काट लेते हैं ना तो उसको हम निब्ड बोलते हैं नाउ वी विल डू यूनिट नाइन द नेम ऑफ द पोएम इज सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन इज़ सब्वे सब्वे मीन्स अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस एक ऐसा एरिया जो लोगों को रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है और हम सब्वे सब्वे का यूज़ करते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए नंबर टू इज़ अंडरनीथ अंडर नीथ मीन्स नीचे की तरफ बिलो नंबर थ्री इज एलिवेटर्स एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट नंबर फोर इज ग्रम्पी ग्रम्पी मीन्स टेम्पर्ड। अब इल टेम्पर्ड भी ना समझ में आए तो ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए ठीक है नेक्स्ट चैप्टर इज अराउंड द वर्ल्ड सो फर्स्ट वर्ड इज प्रो प्रोशेसन मींस मीन्स बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल्स वॉकिंग टुगेदर। नंबर टू कैनियंस कैनियंस मीन्स डीप नैरो ओपनिंग यूजअली विद अ स्ट्रीम एक ऐसा एरिया जो आ, किसी स्ट्रीम की तरफ ओपन होता हो नंबर थ्री सपोर्टिंग सपोर्टिंग कीप फ्रॉम फॉलिंग सपोर्टिंग मीन्स किसी भी चीज़ को गिरने से बचा लेना दैट इज़ कॉल्ड सपोर्टिंग नंबर फोर इज़ कंडक्टर कंडक्टर मीन्स पर्सन इन चार्ज ऑफ बस और अ ट्रेन पता ही है आपको बस या ट्रेन का जो इंचार्ज होता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं और बस और ट्रेन को जो चलाने वाला होता है वो तो आपको पता ही है कि वो ड्राइवर होता है नेक्स्ट एंड लास्ट सो फर्स्ट वन इज लाइंग प्लेस एक ऐसा प्लेस जहां पर जंगली जानवर रहते हैं उसको हम लेयर बोलते हैं नेक्स्ट नंबर टू इज मेन मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी गर्दन पर लंबे बाल होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो तो लॉइन ठीक है और लॉइन के फेस को वैसे भी हम इंग्लिश में मेन बोलते हैं मेन मीन्स लॉइन का फेस नंबर थ्री इज क्लास्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास्ड क्लास्ट मीन्सर इंसर्कल और होल्ड क्लोजली क्लास्ड मीन्स एक तरीके से आप समझ लो uh, अच्छी तरह से पकड़ लेना या फिर उसको सर्कल कर देना नंबर फोर इज माइट माइट मीन्स ग्रेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूती होना या स्ट्रॉगनेस होना ताकत होना बहुत ज़्यादा लास्ट चैप्टर इज हु विल बी निंगथो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निंग्थो मीन्स किंग राजा कौन बनेगा सो so, देख लेते हैं फर्स्ट वर्ड इज पीस पीस मीन्स जैसा कि आपको पता ही है शांति क्वाइट नंबर टू इज़ वर्दी वर्दी मीन्स डिज़र्विंग ऑफ या फिर वर्दी मीन्स आप बोले तो आ, कोई भी पर्सन किसी योग्य होना तब हम कहते हैं कि वो डिज़र्व करता है या फिर वो इसके लिए योग्य है नंबर थ्री इज़ कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट मीन्स कंपटीशन, कंपटीशन जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो उसको हम कॉन्टेस्ट भी बोलते हैं कॉम्पटिशन भी बोलते हैं नंबर फोर इज़ स्पेयर स्पेयर मीन्स हंटर्स वेपन शिकारी का जो शिकारी शिकार करने के लिए जिस हथियार का यूज़ करता है उसको हम स्पेयर बोलते हैं नंबर फाइव इज ट्रिम फेंटली ट्रिमफेंटली मीन्स वीरतापूर्वक सो so स्टूडेंट्स आपके यूनिट वन से यूनिट टेन तक के वर्ड मीनिंग्स एक साथ कंप्लीट हो गए हैं सो so आप इनको नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए थैंक यू एंड हैव अइस डे